नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में बीजेपी को लगेगा जबरदस्त झटका। कांग्रेस की वोट कटवा रणनीति का भी किया खुलासा। कांग्रेस की महासचिव और पूर्वांचल की चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने यूपी में कुछ उम्मीदवार बीजेपी के वोट शेयर को कम करने के लिए उतारे हैं, न कि जीतने के लिए। रायबरेली में उन्होंने साफ किया कि उनकी रणनीति उन सीटों पर जीतने की है जहां उनके उम्मीदवार मजबूत है और जहां कैंडिडेट हल्का है, वहां उनकी रणनीति बीजेपी के वोट शेयर को कम करने की है। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि यूपी में बीजेपी की सीटें अप्रत्याशित रूप से घटने वाली है। रायबरेली में अपनी माँ सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुँची प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, रालोद के महागठबंधन को कांग्रेस द्वारा नुकसान के सवाल को उन्होंने खारिज कर दिया है और कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसी ने तेज बहादुर यादव का नामांकन किया है। वाराणसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील। वाराणसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तेज बहादुर यादव नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। पहले निर्दलीय फिर समाजवादी पार्टी नामांकन दाखिल को लेकर चुनाव आयोग ने तेज बहादुर यादव को नोटिस भेजी थी। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के वकील ने कहा कि नामांकन खारिज होने के मामले में वह उच्चतम न्यायालय जाएंगे। इस नोटिस में चुनाव आयोग ने तेज बहादुर से बुधवार 1 मई को जवाब मांगा। इसके चलते तेज बहादुर यादव कल वहां अपने वकील के साथ सुबह जिला निर्वाचन कार्यालय में पहुंचे थे। वहां उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने जवाब दाखिल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 12:40 तक का समय मांगा था। इसके बाद वे तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द कर दिए। लोकसभा चुनाव, अमित शाह ने कहा, ममता दीदी उनका साथ दे रही है जो भारत को बांटना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर हमला तेज करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कश्मीर को देश से अलग करने की मंशा रखने वाले का साथ दे रही। बोगांव संसदीय क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे हैं, इसके लिए भाजपा लगातार लड़ाई जारी रखेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि केंद्र की सत्ता में कौन है। उन्होंने कहा, आज हम सत्ता में हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, आने वाले दिनों में भी वह प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लेकिन अगर ऐसा दिन आया जब भाजपा सत्ता में नहीं है, उस दिन भी पार्टी के कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ते रहेंगे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे। शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि बनर्जी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला की राज्य के लिए अलग प्रधानमंत्री संबंधित बात पर भी अपना रुख स्पष्ट करे। उन्होंने कहा, ममता दीदी उनका साथ दे रही है जो भारत को बांटना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि देश में दो प्रधानमंत्रियों की उमर अब्दुल्ला उनका क्या रुख है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।